आप मुझे बताओ, ये जो आपका दूध है इसको आप क्या हिंदुस्तान में बेचते हो? मुझे जानकारी नहीं थी, मैंने सोचा शायद बेचते होंगे। आपके पास सब कुछ है, फर्स्ट वर्ल्ड का देश है, बायोटेक्नोलॉजी है, छह सात 800 किलो की गाय है, कमरे जितनी बड़ी। सुबह उठते हो, चाय गर्म करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। गरीब लोग पंखा चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, तो याद रखिए जब आप बटन दबा रहे हो, जैसे ही आप बटन दबाते हो, ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया, वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है। भगवान राम ने सबका आदर किया था, गलत जीएसटी तो लागू नहीं की थी ना, नोटबंदी तो नहीं की थी ना। मेरे पास लिस्ट है, 5,55,000 रुपए दिए, तो अगर वो 15 को 5,55,000 दे सकते हैं तो हम 25 करोड़ को 5,55,000 दे सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? कपड़े भी नहीं पूछे। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा, पता नहीं आपने देखा या नहीं, इसमें कुत्ते भी आए। कुत्ते भी आए इसमें, कुत्ते आए। और आपने, अगर आप टीवी देख रहे होते, आपने एक चीज देखी होगी, कुत्ते को किसी ने नहीं मारा। किसी ने नहीं मारा। इसमें गाय भी आई, भैंस भी आए, सुअर भी आए। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया। देश की आबादी 140 करोड़ रुपए। शिवजी की फोटो में मुझे कांग्रेस पार्टी का चिन्ह दिखाई दिया, तो फिर मैंने सोचा कि भाई दूसरी फोटो देखता हूं। मैंने गुरु नानक जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह, मैंने बुद्धा की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह, महावीर जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह, हजरत अली जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। मैं भीख मंगा हूं। नहीं नहीं सुनो, क्यों? क्योंकि मेरे देश ने बिना कोई कारण पूरा का पूरा प्यार मुझे दे दिया। अभी गांधी जी की फोटो देखी आपने, गांधी जी के साथ आपको 3-4 महिलाएं दिखेंगी दिखेंगी। यहां पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है, ये यहां क्यों उड़ रहे हैं? ये चील यहां क्या कर रहे हैं बताओ मुझे, कोई बता सकता है? ये चील जो घूम रहे हैं यहां पे, क्यों घूम रहे हैं? पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। सीपी जोशी जी, गायखान गंगमय जी,
गायखान गम गंगमय जी। गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए, इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। पांडव कौन थे? अर्जुन, भीम, ये लोग कौन थे? ये लोग तपस्या करते थे, ये लोग तपस्या करते थे। क्या पांडवों ने इस धरती पर नफरत फैलाई थी क्या? आपने महाभारत पढ़ी है क्या? उसमें लिखा है कि पांडवों ने किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया? कहीं लिखा है पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत GST लागू की थी क्या? RSS ने, नरेंद्र मोदी ने दुर्गा की शक्ति, लक्ष्मी की शक्ति, किसानों के हाथ से, मजदूरों के हाथ से, छोटे दुकानदारों के हाथ से, महिलाओं के हाथ से निकालकर 3-4 लोगों के हाथ में डाल दिया। पूरा का पूरा धन चार पांच पुंजापति के हाथ। उसी प्रकार हिंदुस्तान का किसान आने वाले 5-10 सालों में अपने खेत को दुनिया के हर डाइनिंग रूम के प्लेट से जोड़ दे। राजस्थान के हर कोने कोने में हम फूड प्रोसेसिंग का काम शुरू करेंगे। जहां आप अनाज उगाते हो, जहां आप टमाटर उगाते हो, आलू उगाते हो, खेत के पास पास फूड प्रोसेसिंग का यूनिट लगेगा। मेगा फूड पार्क लगाए जाएंगे और आपके खेत को हम दुनिया की इकोनॉमी के से, दुनिया के बड़े बड़े शहरों से हम जोड़ने का काम करेंगे। दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को तो आप जानते होंगे, जो अपनी पप्पूगिरी से लोगों को हंसाते रहते हैं और लोगों का शानदार मनोरंजन करते हैं। दोस्तों, ये इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उन्हें जागरूक कर सके। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को तो आप जानते होंगे, जो अपनी पप्पूगिरी से लोगों को हंसाते रहते हैं और लोगों का शानदार मनोरंजन करते हैं। दोस्तों, ये इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उन्हें जागरूक कर सके। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।